साढ़े आज दे मेहमान हैं सई आसिफ खान खेतरान जेडे सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं सई तो तशरीफ घिन आए बहुत मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम ते बहुत शुक्रिया महमूद के मौका दीते सई सारे किते फखर जा के तोरे शख्सियत सारे को आए सई सब तो पहले सारे नाजरीन ते साकू अपनी कामयाब जिंदगी दे इब्तदाई सफर तो रा के हुन तक सफर दे बारे साकू दसेसो। अच्छा महमूद, ये तुहाडी मुहब्बत के साहू कहते पे कि कामयाब सफर सफर तो सफर होंगे ना, वो जारी है ते हले मंजिल चुके बहुत दूर है और उन तयन मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इब्तदा दा आगाज दा अगर मैं जिक्र करे सा तो महमूद मैं गाल शुरू करे सा स्कूल लाइफ तो। सही वो आदि ना से होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात पिछले दिए साढ़े मुल्क की चीनी पूरी दुनिया स्काउटिंग द आलमी डी मनाया गया। जी मैं इतफाक में एक मौका मिला कि मैं जो वे अपने स्कूल लाइफ ही चमी छीवी सत्तवी अठवीं वाले मैं स्काउट जो सारे हैं उन्हें शामिल हैं मेंबर हवे मेंबर हमी वो तकरीबन हर साल जमहूरी थी रही है और उनका कैंप लगता हों घोड़ा गली मरी दे उत्था रात को एक इवेंट होंगे कैंप फायर जैसे मुख्तलिफ जो स्कूल आए होते पूरे मुल्क के स्कूल उत्थ आए होते वो अपना कोई ना कोई आइटम पेश करें कहने ड्रामा कहने नात कहने गीत जो भी। अच्छा उत्थ सारी टीम ने कोई ड्रामा पेश किया असा मैं गल क्या बैठा वे अर्ली एटीज की वापस आए असा तो उस जमाने के स्कूलें एक इवेंट थी गर्ल्स स्कूल जो हूँ असा शायद मीना बाजार का ना गिंदे उसे आदि से ड्रामा थी पाए। अच्छा। लफ्जी ड्रामा यूज थी है मेरी छोटी सिस्टर्स मेरी कजन्स पढ़ती हैं उन्होंने भी उन्हें सागिण आई मैं उन्होंने भाई तुम दसो एक ड्रामा मैं उन्हें जरा करके ऐसे दसा मिस आखन लगी कि इवें करो कि सबको हाले पूरी तरह तुम नहीं विकरेंगे पे तुम आओ अपने भाई को आखो चाहो आन के जो छोटे जे बाल हैं तुम वो आ मिनते आके सर नाल तो कुछ सिखा दे मैंने सब आसान पहली डायरेक्शन है जी मैं वन के उत्थ स्कूल एक छोटा मैं मेरे ख्याल अठवीं सत्तवी पढ़ता हमें जल वन के मैं उत्थ एक डायरेक्ट किया एक पहला ड्रामा मजे की गल है कि वह उनका एक करैक्टर आई वह बादशाह वजीर का इस तरह का ड्रामा आई तो वह जरा वजीर का मेन करैक्टर आई वो बच्ची जो कुड़ी था कुडू त्रै बारी मूह रिहर्स किया उन्हें ना अच्छा कर सके तो मिस आखन लगी अच्छा क्या फर्क पड़ता है बेटा आप कर लो खुद। अच्छा मेरा स्टेज के उत्ते पहला बहसीयत एक्टर भी को ड्रामा आई। अच्छा छोटे कस्बे के टाक ऑफ द टाउन बन जाती है कोई छोटी मोटी गाल हो पूरे शहर के बड़ी आ रही कि जनाब वो आसिफ नहीं है उसी वो कितराने का बाल उन्हें बड़ा अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस भी किया प्रोड्यूस का तो मुझे अंदाजा नहीं होता भी लफ्ज भी आप बनाए थे वहाँ आप किए जी बड़ी वाह वाह थी असा भी बड़ा चौड़े थे रहे उसे मैट्रिक थी गया एफ ए बी ए बी ए तो बस सच्ची गल है कि बड़ी कोशिश की थी भाई जाते नौकरी जिता कोई पैसे ऐसे हो मैं कंपीटिशन का इम्तिहान वो उले सार्जेंट ट्रैफिक होता है उले मैं तहसीलदारी का डायरेक्ट इम्तिहान होता है कोशिश की थी लेकिन कोई पता नहीं मन ना मनिया मास्टर की तो से एड आई शायद मैं तो अर्ज किए कि एक बचपन तो सोच है या ख्याल है या जहन ही चाहिए बजमे अदब का बजमे इकबाल का तुरी बहुत इंटरेस्ट शुरू पहले बहुत ही जक्रिया यूनिवर्सिटी का तुरी जो क्लास का होंगे बजमे इकबाल थी गया उनका भी मैं कहीं ना कहीं हवाले नाल कोई उदा मेरे को रह गया उनका नतीजा ही निकला कि जे वे इनका टेस्ट थे रेडियो पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर एड आती है उनके वास्ते पहले रिटर्न टेस्ट होंगे वाल बाकायदा कोई च्यूरी बनती है और इंटरव्यू थे वो मैं को नहीं समझ मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा थी आ इंटरव्यू या यो या शायद रिजकी मैं लिखा हुआ है नाल शौक है क्योंकि नौकरी नौकरी नहीं है बेसिकली एक शौक है तो 20 जून 1987 को वैसे प्रोड्यूसर से ज्वाइन कर तुसा पहले जड़ ज्वाइन कर दे अच्छा सही इन दे पढ़े तुसा बड़े खूबसूरत मतलब दस है कि लेकिन तुसा सबसे पहले कि जी मेरी जिंदगी की कामयाब जी सफर जा रही है लेकिन तुसा हुन उन शैडो ते पहुंच गए है जिथे कई लोग आके सही कढ़े सन और तुहाडे कोल मुस्तफीद थे सन बहुत अच्छी जिंदगी और कामयाब अलहमदुलिल्लाह इन बारे तुसा सारे किते लाइट हाउस दे एडे आवण जड़ा है एक्सीडेंटली है या अपने शौक जी शौक ते तुहाडे कोल हाई पिया तुसा दिसने पवे लेकिन इको ज्वाइन करना मैं तो अर्ज करा सी कि देखो जे वे यूनिवर्सिटी पढ़ते पे रहते हो या जॉब वास्ते स्टेंदे हो तो तुहाडे वास्ते अज का नौजवान भी असं भी जे वे उंगले अपनी प्रोफेशन का इंतखाब करेंगे पे से साढ़े सामने भी कोई इहो जिहे ख्वाब आते हैं जिंदे विच इह कि बंदे कोल यार अच्छे खासे मराहत वाली जिंदगी होवे और सारा कुछ मीडिया विच और खास तौर पर रेडियो विच मेरे ख्याल इहो जिही जिंदगी का जरा थोड़ा जिहा तसव्वुर घट होंदे लेकिन मैं तो अर्ज किए कि शौक है इस वास्ते शायद मैं कोशिश की थी इंटरव्यू टेस्ट मेरा अच्छा थी गया और मैं समझदा कि शायद मैं बड़ा ही
ادارے واسطے ہمیں میڈیا واسطے ہمیں میرے والد صاحب پولیس چن میرے چچا جی ہیں وہ بھی پولیس چن میری تقریباً پوری فیملی ہے میں کنے کوئی تھندار شندار نہ بن سکا میری عادت نہیں ہے لیکن شاید میرا چونکہ ذہنی پاس آندا آئی دل آدھا آئی کوئی تھوڑا بہت شوق آئی ٹیلنٹ دا میں کچھ نہ آکھ سکتا نہیں بچپن تو بڑا یادگار اسکاؤٹنگ تے ویندے ہو سو جی ایک شرارت کو یاد آندی کہ اون ٹائم تواڈی اپنا بچپن کیویں گزرا کیا شروع سنجیدہ ہوے یا سونا کرے وی نہ سنجیدگی والا کام تک کیتا کہنا خاص طور تے اسکاؤٹنگ دی میں تو کوارس کراں کہ سن نال ایک لیت ہوندے ہیں سارے استاد جی او نال ویندے ہیں ہیلپر دے طور تے کھانا ونا پڑھندے ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں پی این جی میں نال ویندے ہیں उन्हें कुछ इतना असा जिच करें असि उन्हें अठास डीहें कि वह बेचारे खाना बनाने पैन तो असं आटा कुक है कुछ कर दीते सारा बनाई बैठे तो उन्हें पानी गत गया उनका कुछ भी काम कर गया अच्छा उत्थे गैजेट बने होंगे स्काउटिंग मैं अर्ज करा कि जो तुम वन के कैंप्स लेंगे हो घोड़ा गली वन के या जमहूरी एनुअली होंगी है तो उन्हें तुम बाकायदा तौर पर चीज़ा खुद बनाया होंगे स्काउट्स को एक्चुअली तरबियत दी जाती है कि वो कितने ही अगर उनके कोल भैया मयसर चीज़ा नहीं है तो बैड भी खुद बनावे वो चेयरस भी बनावे वो खाने की चीज़ें सर्वाइव किवें करने तो वो अपनी तो बना गिंदे से रात को मन के जो बाकी इर्द गिर्द होंगे उन्हें नाल कोई ना कोई हद जरूर कराते से जुल्मे थी ना ही पकड़े पेंदे से रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दी तुहाडी बहुत अहम जिम्मेदारी बेगम साहिबा ते बालां को किवें टाइम दे सकदे पए अच्छा मैं तो कर्ज करा कि या कंप्रोमाइज कीती पैन कंप्रोमाइज़ तो मजबूरी को आते एक प्रोड्यूसर को पूछा गया कि यार तेरा बेटा कितना है वह आखे एडा थी गए वह आखे यार बाल का तेरा सा वेंदे एडा था है तू इवें रस वह आखे यार जल्द घर वेंदा सुता पे रहा मैं तो इवें कछड़े ना कि हूँ माशाला एडा थी गए बाले नाल ये कि सवेरे जल्द वेले स्कूल वेंदे थोड़ा जहा मैं देर न उठन दा दी नमाज वगैरह कह मिले तौफीक जल्द थे पढ़ के समझ गया वो लगे गए तो असा बाद चाहे जल्द असा वेंदे हैं तो अल्लाह के फतह समझ चुके होंगे लेकिन वीकेंड के उत्ते बाकी डीहें जो जो मौका मिलते मैं अपनी फैमिली नाल मेरा बड़ी ख्वाहिश होंगी है कि मैं उन्हें कुछ ज्यादा टाइम देव औलाद का भी पास इंटरेस्ट है बाल मेरे छोटे एनसी आले बेटी मेरी ने हूँ ही हाल ही ची एफ ए का एग्जाम दीते जी वही वही बेटी है छोटा तो माशाल्लाह हाले हूँ पंजवीं चे छोटा जोड़ा है सब तो ज्यादा उकू शौक है वो गाने शाने गांदा रहे वेंदे जरा थोड़ा जहा मेरे को लगता है कि उन्हें कोई भाभी को शिकायत टाइम तो इलावा देखो सही दुनिया की कोई भी खातून हो मैं सॉरी टू से अलग रेसी हो ना देख सन बीवी तुहाडे कोलो कहीं खुश शायद ही थी सके अपनी तरफों पूरी कोशिश करनी है कि मुतमिन थी मैं टाइम ए बहुत सारी जाइ ते वंजना आई तुसा नहीं वही सके बहुत सारे इवेंट्स सन फैमिली दे विच तुसा नहीं वही सके जड़ियां होंदन बाकी अलहमदुलिल्लाह मैं इथा एक थोड़ी जी वजाहत की थी जुला कि मैं दुअदद जोहजात दा मालिक वाहिद शौहर आई मिले दुहें बीबिया मेरी माशाल्लाह दुहें पढ़िया लिखिया भी हैं और एजुकेशन उन्हें डिपार्टमेंट नाल ताल्लुक भी है और मैं शुक्र अदा कर रहा कि दुहें अच्छी खवातीन मैं को तंग नहीं करें दिया बालें की तरबियत भी बहुत अच्छी करेंदे पैन और जब जब मैं को वक्त मिलते मैं जरूर उन्होंने रहा वक्त क्या वीकेंड से शाम को मैं डेफिनेटली उन्होंने गुजारा ज्यादा पसंद कर जो तेरे को मीडिया में दौरान बहुत सारी शख्सियात को मदू करें शख्सियात को आंदी हो सन फन के हवाले परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले सब तो यादगार इंटरव्यू की हूँ तक मैं तो अर्ज करा इन उत्ते बड़ी बहस रही है कि सारे जो मुल्क मुख्तलिफ शख्सियात हैं खास तौर पर सिंगिंग के हवाले सारे एक बहु मारूफ शख्सियत हैं सारे वसेब की उन्हें बारे जो प्रोफेसनल लोग हैं या जो म्यूजिक के लवर लोग हैं उन्हें दूर आए हैं एक दिन के अताउल्लाह खान ईसा खली साहब जड़े वह शायद मौसीकी को ज्यादा जानते नहीं हैं बस अल्लाह ने हुकू पॉपुलर कर दिया क्लिक कर गए कुछ आ दिन के कहना यार हूँ सारी आवाज़ को पूरे वसेब बहसीयत गुलूकार दे और किसिट आखो हवाले नाल उन्होंने एक मशहूर किए मैं अर्ज करा ये मेरे अर्ली नाइनटीज़ की गल है मैं उन्होंने को एक प्रोग्राम मेरे को अज का मेहमान उन्हें को राबता किया उन्हें मेरे कमिटमेंट की उ तशरीफ गिन आए मेरे को हैरत थी कि वह बंदे की शदीद मसरूफियत है मैं उन्होंने को आखा लाला चूंकि सारे मोहब्बत लाला आ दिन लाला ये लाइव ही वे तो टाइम तो आसो मैं वो पेपर चेरी थे अखबार अपने रेडियो से प्रमोशन चलाइन आके लाला मैं आ वे सो तशरीफ गिन आए गेट तो उन्हें सारे म्यूजिक के जो म्यूजिशियन हैं तुम जानते हो नाल जिन्हों उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले आगाज किया है वह एक एक बंदे का निक नेम तक जानते हैं इफ्तिखार रोड़ी तेरा क्या हाल है बई वो तेरे बच्चे का क्या हाल है हूँ तो वे थी गया उसने उनके बाद तशरीफ गिना इंटरव्यू एक घंटा थी उ इतना लाइव कॉल्स का जो हूँ थोड़ा जहा थी गया इतना कहना है लेकिन असा ड्यूटी रूम का नंबर दिता हुआ है कॉल्स की भरमार जी मेरे को सब तो अच्छी हूँ बंदे की गाल लगी मेरे को हैरत थी
वो सारी गुफ्तगू भी रही उक बंदे को अस गाने दे बोल आखूँ वो बगैर कह तरद दे मेरे जो बंदे को साख सी कोई गा के सुनाओ तो मैं सौक सी गला खराब है तो ये वो बंदा फौरी तौर पर वो आइटम उंगले अंतरा अस्थाई सुना रहे जल्द बाहर निकले असारे कॉरिडोर डिठे भी इतना खड़े थे और हजू में उन्हें को ऑटोग्राफ किन का जी छोटी बार है उन्हें परले पासों सारे कैंटीन से कम करना सारा नौजवान खड़ाई थे थोड़ी पक्की उम्र का वो बड़ी हसरत ना लेता खड़ा हो मैं नाल अमी खान साहब के लाला सारे लोगों को छोड़ के उन्हें को गए उन्हें जी खाते वाली कापी होंगी वह हाथी की दी खड़े वो नौजवान आखन लगा हाँ बाबा ऑटोग्राफ गिने हो गए जी असं मेरी बेटी आखा है क्या जताउला आंदा की दिया वे वो खाते वाली कापी गिन के ना पूछा उन्होंने बच्ची का वो बच्ची के ना इतनी मुहब्बत नाल इतना तवील जिमें कोई खत लिखता है वो खत लिख के कुड़ी तू आखे मेरी बेटी कुड़ी वाह चा और वापस पाला उन्हें लोगों ने बासियत इंसान इतने वड़े हो इतना खूबसूरत आदमी है और ये रंग लगे उन्होंने को वही रंग लगे पूरे दुनिया के विच वो जी सही बहुत सोहनी गल कहते बैठे आए इन टाइम सारे साढ़े को टेलीफोन लाइन से तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त शाकिर हुसैन शाकिर साहब मुहक्किक नकाद सीनियर कलम निगार मौजूद हैं अस उन्होंने तुम्हारे बारे पुछो बस वो तो कोई ना कोई पोल खुले से जी अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब जी वालेकुम अस्सलाम सर इन टाइम सारे को प्रोग्राम है तुम्हारे बेहतरीन दोस्त आसिफ खान खतरान साहब हैं तुम उन्होंने बारे क्या आखना चाहो गाल है कि ये मेरे दोस्त ही कोई नहीं मैं ते गाल बार बार आता कि पाकिस्तान का यो जहा सरमाया है जिन्हें बिलाशुबा पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए।